हाय फ्रेंड्स, सिकुस्काउट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडियो में बात करने वाले हैं कि हमें प्रूव करना है कि ये जो नंबर है, ये 3 + 2√5 लिखा है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, और एक्सरसाइज 1.2 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 ही है ये। ठीक है, रियल नंबर जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 1.2 एक्सरसाइज का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें प्रूव करना 3 + 2√5 जो है इरेशनल नंबर है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स हम अज्यूम करेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज रेशनल। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि जो 3 + 2√5 वो रेशनल है। अब देखिए, कोई भी नंबर रेशनल नंबर क्या होता है, जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें और नीचे वाला जो नंबर है वो जीरो ना हो, और पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने इसको रेशनल नंबर माना, तो क्या ये चीज़ जो है ये a बाई बी के बराबर मैं लिख सकता हूँ, और b जो है b जीरो नहीं है, तो इस चीज़ को मैंने a बाई बी के बराबर लिख लिया। अब क्या करा मैंने, a बाई बी जो है ये लेफ्ट साइड आया तो माइनस का हो गया, 2√5 उस साइड गया तो ये माइनस का हो गया। मैंने क्या करा, ये वाला जो माइनस है, ये वाला माइनस, ये मैंने इस साइड भेजा तो साइन रिवर्स हो गए, ये था माइनस का, ये हो गया प्लस का, और ये 3 था प्लस का, ये हो गया माइनस का। तो मेरे पास आया a बाई बी -3 = 2√5। ठीक है, इतना मेरे पास आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो इसके नीचे 1 है, यहाँ b आया और एलसीएम b आ गया है ये, और फिर यहाँ a एज इट इज, और ये 3 के साथ b मल्टीप्लाई, तो 3b, यानी कि मेरे को क्या मिला, a -3b/b = 2√5। ये मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को पता है कि a और b जो है वो इंटीजर्स हैं, तो सिंपल सी बात है, देखिए a एक कंप्लीट नंबर है इंटीजर, मान लीजिए a को 6 मानता हूँ, b को मानता हूँ एक कंप्लीट नंबर है, दूसरा मान लीजिए 3 मान लिया। ठीक है, तो क्या मैं जब a -3b करूँगा तो वो भी तो इंटीजर ही आएगा ना। जैसे अगर यहाँ बात करते तो a की वैल्यू अगर मैं 6 रख दी मैंने, b की वैल्यू मैंने 3 रख दी, तो देखिए -6 - 9 ये क्या आया, -3 आया, और -3 क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो वही चीज़ लिखी हो, क्योंकि a और b जो है इंटीजर्स हैं, तो a -3b इंटीजर होगा और b जो है वो भी इंटीजर है। ठीक है, तो नीचे है ये भी इंटीजर है, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो यानी कि ये भी दोबारा से क्या हो गया, रेशनल। ये जो चीज़ है ये रेशनल नंबर बन गई। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा देयर फॉर a -3b/b विल बी रेशनल नंबर। अब a - 3b/b अगर रेशनल नंबर है, तो ये a - 3b/b यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से तो 2√5 के बराबर है, ये मेरे को पता है। अब लेकिन मेरे को तो ये पता है कि 2√5 तो जो है रेशनल नंबर हो जाएगा इसके हिसाब से, क्योंकि जब ये जो चीज़ है इक्वेशन नंबर 1 से दोनों बराबर हैं, तो a - 3b/b अगर रेशनल आया तो ये भी रेशनल हो गया। लेकिन मेरे को तो पता है कि 2√5 तो इरेशनल नंबर होता है, 2√5 इरेशनल नंबर होता है, तो दोनों चीज़ें मिसमैच कहाँ होंगी, दोनों चीज़ें मिसमैच यहाँ होंगी कि हमने जो अजम्पशन किया था वही हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। हमने स्टार्टिंग में जो हमने अज्यूम कर लिया था कि ये 3 + 2√5 जो है रेशनल नंबर है, ये जो अज्यूम किया था यही हमारी गलत है, क्योंकि ये रेशनल नंबर ना हो के इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो दोबारा से एक बार मैं रफ आपको बता दे रहा हूँ आपको क्या करना, आपको जो भी नंबर दिया है उसको आपको, मान लीजिए ये नंबर था, इसको मैंने a बाई बी के बराबर माना। ठीक है, अब a बाई बी में से मैंने क्या करा, a बाई बी इस साइड आया, इस तक बता 2√5 माइनस का। ठीक है, अब ये माइनस का उस साइड गया, 3 है, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 2√5 ही है, ये है 5। अब ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या होगा, a बाई बी -3 = 2√5। अब यहाँ एलसीएम लिया तो देखिए b नीचे है, यहाँ a है, यहाँ 3b हो जाएगा 2√5। अब देखिए क्योंकि ये खुद एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो मेरे को रेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से ही मेरे को पता लग गया कि ये जो चीज़ है ये रेशनल नंबर है, z का मतलब होता है रेशनल नंबर। तो इसका मतलब है कि 2√5 भी रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना, बट 2√5 रेशनल नंबर नहीं होता, 2√5 तो इरेशनल नंबर होता है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने जो अज्यूम किया था कि 3 + 2√5 रेशनल नंबर है, वो गलत अज्यूम किया था। इससे साबित हो गया कि 3 + 2√5 इरेशनल नंबर है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करने हैं।
और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको 10th क्लास से रिलेटेड मैथ साइंस SST किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट।